डर्टी गेम इज ऑन। अब क्या है डर्टी गेम, क्या है गंदा खेल वो बताऊंगा। देखो फिल्मी बिजनेस जो है ना, फिल्मी जगत जो है ना, गंदा है पर धंधा है। पैसा बहुत है पर भाई साहब बहुत सी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कई बार दोस्ती, कई बार प्यार, और कई बार बहुत से भाई सोशल रिलेशंस होते हैं, उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, वीडियो को एंड तक देखना, 3-4 एग्जाम्पल देने वाला हूं जिससे आप भी रिलेट करेंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या हुई है, देखो 2 दिन से खबरें चल रही हैं कि आमिर मामू जो है भाई महाराजा घर में करने वाले हैं। ये गंदा गेम ही तो है, तो डर्टी गेम ही तो है। मैं वेट कर रहा था कि भाई कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब किसी बड़े एक्टर को लेकर मीडिया के अंदर बातें चलती है ना, तो उनका प्रोडक्शन हाउस बात को क्लियर कर देता है। बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो पब्लिक क्या सोचती है, क्लियर नहीं किया है तो हम इसका मतलब कर ही रहेंगे। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, मामू आप मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत इज्जत करते हैं पब्लिक आपकी, प्लीज इस फिल्म का रीमेक मत करना। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कल्ट क्लासिक फिल्म है। विजय सेतुपति ने सटल एक्टिंग की है, उसका डायरेक्शन है भाई, नहीं नहीं बॉलीवुड के अंदाज में बन पाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि बॉलीवुड के अंदाज में इस फिल्म को प्रेजेंट किया जाएगा। आप क्या करोगे, नूरा फतेही का आइटम नंबर डालोगे, तमन्ना भाटिया का आइटम नंबर डालोगे, या क्या करोगे भाई? वो फिल्म नहीं आपका, आपका बॉलीवुड वाला डिजर्व करती स्टाइल, वो फिल्म जो है उसको रहने दो, दूर रहो, ऐसी फिल्मों को मत करो। क्योंकि एक बार आप भाई कर चुके हो गलती लाल सिंह चड्ढा के साथ, वो फिल्म मत करना, अपने स्क्रिप्ट के ऊपर काम करो। बहुत दिमाग है, बहुत राइटर है आपके पास, नए नए बंदे लेकर आओ, नए नए राइटर लेकर आओ, ताकि कुछ अलग देखने को मिले। जो लोग देख चुके हैं उसको मत दिखाना। तो हो तो हो गया एक एग्जांपल। आते हैं दूसरी बात के ऊपर। देखो इस वक्त क्या चल रहा है, किसी भी एक्टर की ना अगर कोई कल्ट क्लासिक फिल्म है, कोई हिट फिल्म है, तो उसका पार्ट 2 लेकर आ जाओ, वो भाई हिट हो जाएगा। मैं इस मामले में अजय देवगन को बहुत स्मार्ट मानता हूं, बहुत जबरदस्त एक्टर है, क्रिएटिव पर्सन है, बार बार बोलता हूं, हजार बार बोलता हूं, देखो औरों में कहां दम आनी है, भले ही फिल्म का बज ना हो बट बस बन जाएगा, फिल्म अच्छी होगी। बट उनका अब 2025 का लाइनअप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। सबसे पहले तो 24 में सिंघम अगेन आनी है, 25 में रेड 2 आनी, रेड 2 पहले 24 नवंबर पे नवंबर में आनी थी, अब वो 25 में पहुंच चुकी है। रेड 2 भाई साहब क्या है, फ्रेंचाइजी फिल्म है। सनम सरदार 2 फ्रेंचाइजी फिल्म है, अश्विनी धीर ने डायरेक्ट किया था। बताया जा रहा है कि सनम सरदार 2 पंजाबी कोई डायरेक्टर है वो डायरेक्ट करने वाले हैं, और उसमें मृणाल ठाकुर भी होने वाली हैं। दे दे प्यार दे 2 ये भी भाई फ्रेंचाइजी है, पहला फिल्म हिट हुआ था। अभिषेक कपूर के साथ उनकी फिल्म आ रही है, जो कि उनके भतीजे भांजे उनके साथ हैं, तो ये फिल्म भी बड़ी होने वाली है। फिर दृश्यम 3 है, गोलमाल 5 है, और भाई साहब चाणक्य भी बताया जा रहा है नीरज पांडे के साथ। बट नीरज पांडे ने बोला है कि अभी वो होल्ड पर जा चुकी है, पर बनेगी जरूर, जब चाणक्य बनेगी तो देखना फाड़ेगी। अजय देवगन एक ऐसे एक्टर है ना, उन्हें पता है अपना काम करना है, फालतू की मीडिया की लैम्पलेट लेते नहीं, अपना काम करते हैं और चुपचाप निकलते हैं और 200-250 करोड़ कमाकर चले जाते हैं। शैतान लोग कह रहे थे रीमेक नहीं चलेगी, पर देखो रीमेक करा तो चली। इसलिए बोलता हूं रीमेक उसको करो जो पब्लिक ने देखा ना हो। अब दृश्यम 3 जिस दिन आएगी उस दिन सोचना क्या होगा, क्योंकि इस बार जीतू जोसफ ने क्लियर कर दिया है कि दृश्यम 3 जिस दिन मलयालम में रिलीज होगी उसी दिन हिंदी बेल्ट में रिलीज होगी, तो दोनों लैंग्वेज में एक साथ रिलीज होगी। तो इससे ये नहीं रहेगा ये रीमेक है, एक साथ बनेगा, क्योंकि उसका प्रोडक्शन मिलजुल कर हो रहा है। तो अजय देवगन बहुत स्मार्ट प्लेयर है। अब आते हैं दूसरी खबर के ऊपर, यह भी कोई कम डर्टी गेम नहीं है। पुष्पा के लिए भाई खबरें चल रही हैं, पुष्पा 2 भाई पोस्टपोन्ड होने वाली है, 6 दिसंबर तक नहीं आ पाएगी, क्योंकि 40 दिन की शूटिंग बची हुई है। अब 40 दिन की शूटिंग पूरी करने के लिए 4 महीने हैं, और दूसरी बात क्या है, पोस्ट प्रोडक्शन में भी टाइम लगता है। तो बड़ी फिल्म है, सुकुमार रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, वो सोच रहे हैं भाई एक बार काम करूं, जबरदस्त करूं, क्योंकि पुष्पा का जो बज है 1000 करोड़ को वो कम नहीं होने देना चाहते हैं। तो अगर पुष्पा 2 नहीं आती है तो खबरें बताई जा रही है रामचरण भाई शंकर डायरेक्शन फिल्म कौन सी गेम 6 दिसंबर को आ जाएगी। अब ये 6 दिसंबर को आती तो मैं सोच रहा था छावा को विकी कौशल की जो आनी है, संभाजी महाराज की, 116 किलो वजन किया विकी कौशल ने, उनको ओपन रन मिल जाएगा। कहते हैं ना छोटी मछली हमेशा बड़े कांटों में फंस जाती है, तो होता क्या है बड़ी मछली कौन है, साउथ के एक्टर, साउथ के डायरेक्टर, वो छावा को फंसा देंगे। अगर छावा को ओपन रन मिल जाता तो भाई विकी कौशल की कहानी चल पड़ती, टैलेंटेड एक्टर है, और छावा जबरदस्त फिल्म होगी। अब गेम चेंजर आएगी तो फिर स्क्रीन डिवाइड होंगी, क्योंकि RRR के बाद राम चरण भी हिंदी बेल्ट के अंदर एक अच्छा खासा बज रखते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्या पुष्पा 2 भाई पोस्टपोन ना हो, अगर पुष्पा 2 पोस्टपोन नहीं तो छावा वैसे ही पिस जाएगी, तो फिर छावा को इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पीछे हटना ही पड़ेगा। अगली खबर है भाई बहुत ही खतरनाक। देखो जॉली एलएलबी ने पहले बोल दिया कि हम लोग आ रहे हैं 10
अप्रैल को। क्यों बोला? क्योंकि भाई टॉक्सिक हट चुकी थी, टॉक्सिक हटी, जलालील भी आई, अब आज आ चुका है किसका भाई, राजा साहब का ग्लिम्स आया। राजा साहब ने भी बोल दिया हम भी आएंगे भाई 10 अप्रैल को, हम क्यों छोड़ें, क्योंकि 4-5 छुट्टी आ रही है। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि भाई हो क्या रहा है, सलमान भाई की फिल्म 2025 ईद में रिलीज होनी, कौन सी, सिकंदर, मस्ट अवेटेड फिल्म है, एयर मुर्गा दौस उसमें होने वाले, डायरेक्शन करने वाले हैं, बहुत उम्मीद है कि सलमान भाई उससे कमबैक करेंगे। अगर सलमान भाई को कमबैक करना है तो 3 हफ्ते का ओपन रन चाहिए, क्योंकि सलमान भाई अब 200-300 करोड़ से काम नहीं चलेगा। 300 करोड़ तो अब कर रहे हैं लोग, अब दिक्कत क्या है भाई, वो कब रिलीज होने वाली है, 28-29 मार्च होगी, क्योंकि 31 को ना ईद है, अब 2 दिन पहले होगी। अब अगर 28-29 को होती है, 10 अप्रैल को 2 बड़ी फिल्में आ जाएंगी, जॉली 3 एंड राजा साहब, तो कितना दिन मिलेगा, अल्टीमेटली 12 दिन। वैसे तो 12 दिन बहुत होते हैं, पर जब कोई बड़ी फिल्म होती है, बड़े एक्टर की फिल्म होती है ना, तो होता क्या है, बिजनेस डिवाइड होता है, क्योंकि पहले हफ्ते में प्रोड्यूसर का जो शेयर है वो ज्यादा रहता है और डिस्ट्रीब्यूटर का और एग्जीबिटर का कम रहता है, पर बाद में जैसे जैसे फिल्म लंबी हिट हो जाती है तो एग्जीबिटर का पैसा कमाने का टाइम आता है, जब एग्जीबिटर का पैसा कमाने का काम आता है तो वो फिल्म हट जाती है, क्योंकि जब आ जाएगी जॉली एलबी राजा साहब पर सलमान भाई है, इतनी आसानी से स्क्रीनें कम नहीं होगी, पर वहां पर प्रभास है जो भाई साहब कल्कि के बाद आएंगे और एक डार्लिंग अवतार में आ रहे हैं, ग्लिम्स भी सॉलिड है, तो भाई जबरदस्त स्क्रीन मिलने वाली है। जॉली एलबी भी भाई थर्ड फ्रेंचाइजी है, थर्ड फिल्म होने वाली है, तो उसको भी स्क्रीन मिलेंगी, क्योंकि पब्लिक उसके लिए भी एक्साइटेड है। तो 3-way क्लैश है, एक तो 2-way तो है, और 3-way इनडायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि सलमान भाई हल्के में नहीं लेने का, वो बंदा आएगा तो अपनी पब्लिक को तो खींच कर ले जाएगा। प्रभास भी कल्ट भाई साहब फैन बेस रखता है, फैन आर्मी अपने साथ लेकर चलता है, और अक्षय कुमार भी भूखे शेर की तरह बैठे हैं, उन्हें भी पूरी उम्मीद है कि जॉली एलएलबी 3 भाई उनका क्लैश करवाएगी। पर ये सब चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे क्या बहुत से लोगों को कि क्लैश के बजाय आप एक ऐसी दिन ढूंढो जिस दिन छुट्टी ना हो, भले ही नॉर्मल फ्राइडे सैटरडे संडे हो, पर एटलीस्ट आपको जहां 2-2.5 हजार स्क्रीन मिल रही है वहां 5 हजार स्क्रीन तो मिलेंगी, तो पब्लिक वैसे ही आ जाएगी, फिल्म अच्छी होगी तो फिल्में चल पड़ती है, कोई जरूरी बात नहीं है कि भाई साहब आप क्लैश में आएंगे तो ही कमा कर जाएंगे। एनिमल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आपके कंटेंट में दम होगा तो भाई कोई दिक्कत नहीं, क्लैश कर लो, पर अगर नॉर्मल डेट होता है तो भी बंदा कमा कर चला जाता है, बाकी देखते हैं। ये तो भाई देख फिल्मी जगत है तो गेम तो चलेगी, डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी गेम चलती रहती है। अब अगली खबर है शाहरुख खान की किंग से। अब किंग जो है ना गर्म होती जा रही है दिन पर दिन, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं सुनना मेरी बात को ध्यान से। शाहरुख खान ने 4 साल का ब्रेक लिया था, उन 4 साल में उन्होंने भाई साहब पठान करी, जवान करी, डंकी करी, अब किंग अपनी बेटी को एक तरीके से वो थिएटर में लॉन्च करने वाले हैं, अब उसके ऊपर वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उनको पता है मैं नाम कमा चुका हूं, अब मेरे से कंपैरिजन होगा मेरी बेटी का, तो वो क्या चाह रहे हैं कि ऐसी फिल्म लेकर आऊं, दमदार कंटेंट लेकर आऊं कि भाई पब्लिक एक्साइटेड हो। अब हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं, किंग फिल्म जो है क्यों गर्म होती जा रही है, शाहरुख खान ने एक चीज सोच ली है, कम काम करो पर बढ़िया करो, क्वालिटी नहीं पे ध्यान दो, क्वांटिटी पे नहीं। अब हो क्या रहा है, एस जे सूर्या जो साउथ के एक्टर हैं, जो कि विलन है, स्पाइडर फिल्म देखी होगी आपने, महेश बाबू की एयर मुर्गा दोस्त ने उसको डायरेक्ट किया था, उस फिल्म के जो विलन थे मेन, बताया जा रहा है कि किंग में उनकी एंट्री हो चुकी है, जो कि अभिषेक बच्चन की रूट्स के नीचे काम करेंगे, जबरदस्त एक्टर है, क्यों है, क्योंकि साउथ में उसका अच्छा खासा फैन बेस है। और अभी अभी अगर उसकी ताजा फिल्म देखनी है तो रयान देखो, और रयान के बाद भी उनकी तारीफ हुई है, पर बताया जा रहा है कि शाहरुख खान इस वक्त अभी और टाइम लेंगे किंग को लाने में, हो सकता है 25 में भी ना आए किंग, क्यों, वो काम कर रहे हैं, प्री प्रोडक्शन पे मेहनत कर रहे हैं, बताया जाता है, देखो ये कहा जाता है कि प्री प्रोडक्शन में आप जितनी मेहनत कर लोगे ना, जब फिल्म फ्लोर पर जाएगी 40-50 दिन में खत्म हो जाएगी, आपका कुछ भी बचेगा नहीं, फिल्म बढ़िया बन करने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप पहले कहानी पे काम कर लोगे ना अच्छे से, उसके स्क्रीन प्ले पे काम कर लोगे, तो जब बंदा शूटिंग करता है ना तो बंदे को डाउट नहीं रहता कि मैंने जो प्रोडक्ट बनाया ना बढ़िया ही होगा। तो शाहरुख खान किंग के साथ सबको सरप्राइज कर सकते हैं, और खासकर सुहाना खान, उनके ऊपर बहुत मेहनत चल रही है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी ये जो खबरें थी कुछ अच्छी भी है, कुछ निराशाजनक भी है, एक तो खाली साला क्लैश बहुत हो जाते हैं, दूसरा आमिर मामू ने बोल रहे हैं भाई मैं महाराजा फिल्म का रीमेक करूंगा, भाई रीमेक ना हो तो अच्छा है, ओरिजिनल कंटेंट लेकर आओ। बाकी और भी बहुत सी खबरें हैं जो कल आपको वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, कुछ अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।